जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। मैं अपनी बेटी को आपको सौंप रही हूं, और अगर उससे कोई गलती हुई तो बच्ची समझकर माफ कीजिएगा। आपकी बेटी है, हमारी बेटी है। रही बात माफ करने की, तो आप खुद ही हाथ जोड़ के अपनी बेटी को लेके हमारे घर तक आई, यही काफी। वो चार चार सूटकेस देख रही है ना, उसमें गहने ही भरे हुए हैं। ये है तुम्हारा और दादा का कमरा, अच्छा है ना? अच्छा वहिनी, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है दादा के बारे में। तुम्हारे दादा है ना, कुछ ज्यादा ही शर्मीले हैं, इसलिए वो तो तुमसे बात करने से रहे, इसलिए तुम्हें ही पहल करनी होगी उनसे बात करने के लिए। वरना पता चले यहाँ तुम भी चुप, वहाँ दादा भी चुप, और दोनों एक दूसरे को रात भर देखते ही रहोगे। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन पहल करना मत भूलना। वो जी माचिस चाहिए थी। माचिस? माचिस ड्रॉर में। अगरबत्ती? अगरबत्ती तो खत्म हो गई, कुछ और? मैं अष्टविनायक मंदिर होकर आता हूँ। इतनी रात को? जी हाँ, वो मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन आप घर पे आएंगी उसी रात को मैं नंगे पैर पापा की चौखट पे जाऊंगा माथा टेकने। अच्छा
जी ठीक है। भगवान, इतना बड़ा ताला, क्या करूं? सविता सोच क्यों रही है? है ये बैग तेरी बहू की है। बहू तेरी मानव की बीवी है। मानव की हर चीज तेरी होती है। इसका मतलब ये सूटकेस तेरी हो गई। तोड़ दे ताला। मिल गया। मेरा बैग कहाँ गया? मैं आई बाबा से पूछती हूँ। माँ बाप की तस्वीरें। मिल गए, मिल गए। ये हमारी चाल है ना चाल। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं सोची तूने बैग में गहने तो लाए होंगे, है ना? तो उठा के रख दो। यहाँ के लोगों का कुछ भरोसा नहीं। कब अंदर आएंगे, हाथ साफ करके जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ताले की चाबी मांगने आने वाली थी, फिर मैंने सोचा तू तो थक के आई है। तू और मानव एक कमरे में, ताला टूटेगा, नया ला सकते हैं, ना बेटा? मैं रख के आती हूँ, हाँ? अरे 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 अरे, तू चिंता मत कर, मैं अंदर रखती हूँ, आके सब भर के तेरी बैग। नहीं आई, मैं कर लूँगी। बचपन से लेकर आज तक तेरी सारी पसंद की चीजें मैंने पैक करवाई हैं। तू ड्राइंग में बहुत ही अच्छी थी। आम बनाने जाती थी और तरबूज बना देती थी। और तू बहुत चिढ़ती थी ना मुझ पे। और फिर तुम रूठ जाती थी। और फिर मेरी रूठी हुई अर्चना को मनाने में मुझे बहुत मजा आता था। याद है हमें बचपन में इस गुड़िया के बिना तुम एक मिनट भी नहीं रह सकते। आई ये अचार
अरे तुझे पसंद है ना, इसलिए अब रोज तुझे ताजा अचार बनाकर नहीं खिला पाऊंगी ना। आज तो मुझे तेरी पसंद का खाना भी बनाना है। रव्याचे लाडू, खोबऱ्याच्या वड्या, हा पोह्यांचा चिवडा। लेकिन ये सब बनाने में तो रात निकल जाएगी। ये खुशी मुझे मिलने दो ना। सुलोचना का तू पण बस ना जेवायला। नाही असू दे, तुम्हाला वाढते आणि मग नंतर बसते। अरे वर्षु, मैं सोच रहा था कि तेरी और वैशाली के कमरे के लिए कलमारी ली जाए। व्हाट अ ग्रेट आइडिया दादा। अब देखना, अर्चना तो अपने ससुराल चली गई है, काफी जगह है यहाँ पर, तो उस जगह को यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा दादा तुमने। वैसे भी फिलहाल हमारे कमरे में जो अलमारी है ना, वो पूरी की पूरी वैशाली यूज करती है। मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है, मैं बेचारी किसी भी कोने में। मैं बेचारी कुछ नहीं है दादा। वैशु प्लीज तू। बस बस बस, अब नई अलमारी आ रही है ना, मैं आज ही जाकर एवन फर्नीचर को ऑर्डर देके आता हूँ, ठीक है? हाँ। अरे विनोद, उस दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ का सामान ठीक ठाक नहीं है। क्यों, तुम्हें कैसे पता चला? तुम कब गई थी वहाँ पर? अरे उसमें अंदर जाने की क्या जरूरत है, मुझे तो बाहर से देख के पता चल गया कि अंदर का नजारा क्या होगा। अरे उन्होंने मुझे इतने प्यार से रिसीव किया, बैठाया, अच्छे से बातचीत की, तभी मैं समझ गई कि कितना संस्कारी परिवार है। मैंने वो आजू बाजू के पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया वो बहुत ही अच्छा परिवार है। मंजुषा, बाहर से देखकर उसके अंदर का अंदाजा आ जाता, तो फिर मानव की चौल बाहर से देखकर तुम्हें उनके हालत का अंदाजा नहीं आया था? जी, वो तुमने हमसे असलियत क्यों छुपाई मंजुषा? से कोई असलियत नहीं छुपाई। वो जब भी मैं मानव के चौल में गई तो मुझे भी झटका सा लगा, लेकिन फिर याद आया कि बाबा ने तो कहा था कि लड़का बहुत पैसे वाला है, उसकी अपनी खुद की गाड़ी है, खुद का गराज है, मैकेनिकल इंजीनियर भी है, तो मुझे लगा शायद अंदर जाकर सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। जब मैं उसके घर के अंदर गई तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक ही लगा। अब वो लोग मुझसे जिस तरह से पेश आए ना आए, तो मुझे कहीं कोई खोट नजर नहीं आई। अरे आप तो जानती है ना, जब लोग झूठ बोलने पर आते हैं तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरे उन लोगों ने मुझे भी गलतफहमी में रखा। सच मानिए, विश्वास कीजिए मेरा। लेकिन आई तुम अब छोड़ो भी वो सब बातें। अर्चना की मानव से शादी हो चुकी है और वो उस घर भी जा चुकी है, तो अब इन सब बातों का क्या फायदा? और वैसे भी आई, घर वाले चाहे कैसे भी हो, लड़का तो अच्छा है ना। सुलोचना, अरे छोड़ो भी इन सब बातों को। अब जबकि सब कुछ ठीक हो गया है तो पुरानी बातों को कुरेदने से क्या हासिल होने वाला है? देखो, पापा की इच्छा का सम्मान करो, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। छोड़ो इन बातों को और आओ बैठो, तुम भी खाना खाओ। हाय, अब आप खाना खा लीजिए ना। उफ, बच गई मैं, वरना आज तो मेरी आफत ही आ गई थी। सविता, क्या तेरा नसीब है।
मर गई मैं ये बर्तन चूल्हा थक गई, कोई नहीं मेरी मदद करने वाला। भाई का? अरे बच्चा तू क्यों आई, मैं कर लेती ना काम। अपनी सासू माँ का हाथ बटाना चाहती है ना, कितने अच्छे संस्कार। लेकिन पहले दिन मैं तुझे काम करने नहीं दूंगी। नहीं नहीं मायूस नहीं होना, तू काम करना चाहती है। एक मिनट कर, देख अपने घर में काम करने का जो एक सुख होता है वो सुख मैं तेरे से छीनना नहीं चाहती। काम कर ले बेटा। अरे तुझे एक बात कहनी थी। कहूं? कहिए ना। मेरी शादी हुई 1 अगस्त को और सत्यनारायण की पूजा का मुहूर्त निकला 15 अगस्त। जब तक पूजा नहीं हुई मैं अकेली सोया करती थी इस फूल वाले रूम में, और तेरे ससुर जी दादा के साथ वो रूम में सोते थे। मतलब हमारे घर का रिवाज है, समझ गए बेटा? मैंने इनडायरेक्टली बताने को देखा तो तू कुछ समझ नहीं सकी, अभी मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। जब तक सत्यनारायण की पूजा नहीं होती तू और मानव साथ में नहीं सोएंगे, समझी? हाँ समझ गई मेरी समझू बहू, जल्दी से मान ले, बाद में आराम करना बच्चा। आप ही क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, मुझे आदत है। मुझे आदत नहीं है लेकिन लेकिन मैं कर लूंगा। आप प्लीज ये सब रख दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मेरा आपका इस तरह मदद करना? अर्चना ये हमारे एक नई गृहस्थी की शुरुआत है, हमें हर एक चीज हर एक बात एक दूसरे के साथ बांटनी है, तो फिर चलो यहीं से शुरू करते हैं। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे I'm not afraid to die.
जी ये सर मुझे बाहर जाके सोना पड़ेगा। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां